नमस्कार, मैं हूँ मंगल। वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम देखेंगे मसाला लेयर पराठा। हमने पहले लच्छा पराठा देखा था और आज हम देखेंगे मसाला लेयर पराठा। बहुत अच्छा बनता है, क्रिस्पी होता है, सबको पसंद आता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर देखिए। आइए देखते हैं हम इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। और इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे यही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए देखते हैं हम मसाला लेयर पराठा के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मसाला पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा, आधा कप वो होल व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून नमक, ऑयल और पानी आटा बनाने के लिए। आइए पहला आटा बना लेते हैं हम। पहले हम बड़ा बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे रिफाइंड फ्लावर और होल व्हीट फ्लावर, मिक्स कर लेंगे इन्हें। बड़े बाउल में एक बाउल में ये सारे मसाले जो है हमने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक सबको मिला लेंगे। आटे में ये मसाले मिला लेंगे। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और अच्छे से मिला लेंगे इसे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा मिला लेंगे। हाथ से करेंगे इसे। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमें एकदम सख्त आटा भी नहीं चाहिए और एकदम सॉफ्ट आटा भी नहीं चाहिए। अच्छे से मिला लिया है, इसमें लगाएंगे थोड़ा ऑयल। हमारा आटा फूल के तैयार हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है और हम अपना ऑयल लगाएंगे इस आटे में।
फ्लैट सरफेस पे लेंगे हम इसे, नीचे ऑयल डालेंगे, इसके दो गोले बनाएंगे हम। और इसके एकदम पतली रोटी बेलेंगे। इसे हम ब्रश से लगाएंगे। इसे अच्छे से कोटिंग कर लिया है और आप चाहे तो नाइफ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। और ये हमने पूरे रोटी को कट दे दिए। और इसे हम मिला लेंगे अब। और इसके लिए मैं स्पैटुला का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस तरह से एक एक करके आराम से निकाल लेंगे इसे और रोल करते जाएंगे। इसे हमने ऐसे ही रोल करते जाना है। और इसे हमने अच्छे से रोल कर लिया है। लच्छेदार पराठा बनता है इसे। थोड़ी पेशेंस की जरूरत होती है। हमने अच्छे से लोई बना लिया है हमने। हाथ में ऑयल लगा लेंगे और ये जो इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे राउंड राउंड में। और ये आखिरी सिरा नीचे डालेंगे और हमारा पराठे का
ले तैयार है। अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और इसके लिए मैं चकला लूँगी, इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, हाथ से पहले स्प्रेड करेंगे। मैंने ग्रिडल गरम करने के लिए रखा है, इसे हम आराम से बेलेंगे क्योंकि हमें इसके लेयर्स चाहिए, तभी ये लच्छेदार पराठा बनेगा। और हम अब इसे सेक लेंगे। ग्रिडल हमने गरम करने के लिए रखा था, इसमें ऑयल डाल के स्प्रेड कर लेंगे। ऑयल और उस पर डालेंगे हम पराठा। मीडियम स्लो फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे। आराम से पलटना है हमें इसे। आराम से इसे पलटेंगे फिर से। हमारे देखिए अच्छे से ये लच्छे निकले हैं, सेक लेंगे इसे अच्छे से। ये बहुत सारे बहुत प्यारा बनने वाला है ये पराठा। तैयार है हमारा लच्छा पराठा, इसके अच्छे से लच्छे निकले हैं। तो इसे हम निकालेंगे प्लेट पर। मसाला लच्छा पराठा हमारा तैयार है। देखिए इसके लेयर्स, अच्छे से लेयर्स निकले इसके। तैयार है हमारा मसाला लच्छा पराठा। तैयार है हमारा मसाला लेयर पराठा। पसंद आया होगा आपको, ज़रूर पसंद आएगा। बहुत अच्छे लेयर्स है इसके, इसमें आए हैं और बनता है। उसमें थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन आप ज़रूर बना पाएंगे। ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव ज़रूर मुझे शेयर कीजिए। और अगर आपने आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बेल के बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो जो हर वेनसडे और फ्राइडे को मैं अपनी रेसिपी यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ 11 बजे, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरा चैनल को लाइक भी ज़रूर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए मेरी रेसिपीज़। आप मेरी ये दो वीडियो देखेंगे वो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप मेरे ये फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में आपको आसानी होगी। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।